दोस्तों नमस्कार, जय माता दे। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं आशा रानी आज शुगर वाले भाई बहनों के लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ। शुगर वालों के लिए तिल के लड्डू के फायदे और तिल के लड्डू कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों में तिल के लड्डू वैसे तो सभी के लिए फायदेमंद होते हैं, परंतु शुगर वालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अगर शुगर वाले तिल के लड्डू का सेवन करते हैं तो उन्हें अनेकों फायदे होंगे, जैसे कि गठिया से राहत मिलती है और सर्दी खांसी जुकाम से भी राहत मिलती है। और तिल के लड्डू का सेवन करने से त्वचा संबंधी कोई बीमारी नहीं होती। अक्सर शुगर वालों को कब्ज की शिकायत हो जाती है, यह लड्डू कब्ज से भी राहत दिलाते हैं। तिल के लड्डू बनाने से पहले तमाम शुगर व बीपी वाले भाई बहनों से विनती करती हूँ कि सैर जरूर करें, 45 मिनट सुबह 45 मिनट शाम को। सैर करते समय हल्का सा तेज चलें और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। आइए बनाते हैं तिल के लड्डू। और तिल के लड्डू बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए जान लेते हैं। यह देखिए, 250 ग्राम तिल लेंगे जो हमने रोस्ट करके रखे। आप चाहे तो रोस्ट कीजिए, अगर आप चाहते हैं रोस्ट नहीं करना तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। 100 ग्राम छुहारे लेंगे, यह देखिए सूखा छुहारा लेना है। 100 ग्राम बादाम गिरी, 50 ग्राम काजू, काजू के टुकड़े भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले ये देखिए छुहारे लेंगे, इनके हम शक्कर बनाएंगे। इनको हम बीज से तोड़ लेंगे, इनका बीज अलग कर देंगे। आप चाहे तो कटर से काट सकते हैं या फिर आप ऐसे इनको प्लास से भी इनका बीज अलग कर सकते हैं। ऐसे ही सारे निकाल लेंगे, ये देखिए बीज अलग कर देना है और ये अलग कर लेना। इसको मिक्सी में डालेंगे, ऐसे ही सारे निकाल लेंगे। यह देखिए सभी छुहारों के ऐसे बीज निकालने के बाद मिक्सी में डाल लेंगे और इनको हम ग्राइंडर करेंगे। अब मिक्सी ऑन कर देंगे। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। यह देखिए छुहारे की शक्कर बिल्कुल तैयार है। अब ये 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू, इनको भी हम ग्राइंडर कर लेंगे। मिक्सी ऑन कर देंगे। अभी देखिए काजू बादाम भी निकाल लेंगे, इनको थोड़ा दरदरा रखेंगे। अब हम ये तिल इनको भी पीस लेंगे। मिक्सी ऑन करते हैं। अब मिक्सी बंद करने के बाद इसको खोलते हैं और उसमें ये छुहारे की शक्कर और ये काजू बादाम डाल देते हैं। अब इसको एक बार फिर से ग्राइंडर कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें ये सभी मिक्सचर डाल देंगे। चम्मच से निकालते हैं, सारा ऐसे ही निकाल लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स होने के बाद ऐसे थोड़ा नरम हो जाता है। ये देखिए सारा निकाल लेंगे, ऐसे हाथ से निकाल लेते हैं। अब इसको एक बार अच्छे से ऐसे मिक्स कर देंगे ताकि अगर कहीं से थोड़ा बहुत नहीं मिला तो इससे अच्छी तरह से ऐसे मिला लेंगे। अब हम इसके बनाएंगे लड्डू। ये देखिए आप चाहे तो बड़े बना सकते हैं, अगर आप चाहे तो छोटे भी बना सकते हैं।
और ये बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं। ये देखिए ऐसे ही सारे बना लेंगे फटाफट। ये देखिए ऐसे फटाफट बना देते हैं। अगर आप चाहे तो छोटे आकार के भी बना सकते हैं। ये देखिए छोटे भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट और फायदेमंद होते हैं। ऐसे ही सारे बना लेंगे। ये देखिए सारे लड्डू ऐसे ही बना लेने, हमारे सारे लड्डू बिल्कुल तैयार हैं। यह बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही फायदेमंद है और सबसे अच्छी बात तो है ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और यह लड्डू शुगर वाले भाई बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप चाहे तो इसे गाय के दूध के साथ भी ले सकते हैं, जैसे कि 200 ग्राम गाय का दूध लीजिए मलाई उतरा हुआ, उसके साथ भी आप लड्डू का सेवन कर सकते हैं। यह आपका स्वाद बढ़ाएगा और फायदेमंद भी होगा। आप चाहे तो इसे किसी भी समय ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, फायदेमंद तो है ही। और आप भी एक बार यह लड्डू जरूर ट्राई करें, वैसे तो सभी के लिए फायदेमंद है। और धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर करें ताकि किसी और का भी भला हो सके और हमारे चैनल पर बने रहें। जय माता दोस्तों।